हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम टोटल कैसे करते हैं। सब टोटल और सम में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहला तो ये है कि नॉर्मल सम करके दिखाता हूँ मैं आपको। सम इस तरीके से करते हैं और इसके बाद हम ये एंटर मारेंगे, ये 15 हो गया टोटल। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पर कोई फिल्टर लगा होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो 15 ही आएगी। यानी कि अगर इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 14 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 15 ही दिखा रहा है। तो इसलिए हम सब लगाते हैं कि अगर बाई चांस कभी फिल्टर भी लगा होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट जो विजिबल सेल है उनको ही सम करके देगा। तो करते हैं सब टोटल। सब टोटल के लिए अब आपको यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर ही आ जाएंगे कोड लिखे हुए। जैसे 9 नंबर पर सम है तो आप यहाँ पर या तो 9 अपने से टाइप कर दीजिए, कॉमा देकर वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, अभी हमने क्या करना है कि हमने कोई एक फिल्टर लगा दिया इसमें, ये लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पर ये 14,413 आने लग गया, यानी 413 आने लग गया। अगर यहीं पर अगर हम सम कर रहे होते, यहाँ पर देखिए सम, तो हमारी 413 की जगह ये अभी फिल्टर हमने चूंकि फिल्टर पे लगाया है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 473। अब ये हमने फिल्टर कर दिया, अभी देखिए 473 ही है जबकि साइड में फिगर चेंज हो चुकी है। देखिए फिगर चेंज हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास सब टोटल में और कई सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए एवरेज, यहाँ पर आप एवरेज भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। काउंट मीन्स हम न्यूमेरिक काउंट करेंगे, काउंटर मीन्स हम अल्फा न्यूमेरिक दोनों काउंट कर सकते हैं। मैक्स भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ये केवल विजिबल सेल के लिए है। जहाँ पर हम कहीं विजिबल सेल के ऊपर काम करना होता है तो वहाँ पर हम सब टोटल को यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज तो मिस्टेक होने के चांस रह जाएंगे। इसी तरह